बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू क्लास 8। ओपन योर साइंस बुक, पेज नंबर 49। यूनिट नंबर 7। अब हम स्टार्ट करेंगे एसिड्स, अल्कलाइज एंड साल्ट्स। इसमें हम एसिड, अल्कलाई और साल्ट की रीडिंग करेंगे। सबसे पहले, ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस कैन बी स्टडीड बाई ग्रुपिंग दैम अकॉर्डिंग बाई ग्रुपिंग दैम अकॉर्डिंग द वे दे बिहेव। Two such groups or sets of chemicals are called acids and alkalis. Any substance that can be dissolved in water is acidic, alkaline or neutral. सबसे पहले हमारे पास जो है वो एसिड्स हैं। लेमन जूस, कर्ड एंड विनेगर आर एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड्स दैट वी यूज इन एवरी डे लाइफ। एक्सचेंज ऑफ नेचुरल एसिड्स आर नेचुरल एसिड और फाउंडेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड द स्टमक, सिट्रिक एसिड लेमन जूस, लैटिक एसिड जो है वो सॉर मिल्क, एस्कॉर्बिक एसिड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, टैनिक एसिड टी, टार्टरिक एसिड ग्रेप्स, एसिटिक एसिड विनेगर में और कार्बोनिक एसिड जो है वो फिजी ड्रिंक्स में पाया जाता है। सम एसिड्स आर वीक एसिड्स एंड वी कैन यूज देम इन आवर फूड। सम एसिड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इज़ यूज इन कार बैटरीज एंड नाइट्रिक एसिड इज़ यूज इन टू क्लियर ब्लॉक ड्रेन्स और स्ट्रॉन्ग एसिड कैन बी डाइल्यूट बाई एडिंग वाटर टू दैम। उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं एसिड की, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल, दो किस्म की प्रॉपर्टीज़ हैं। पहले हम फिजिकल पढ़ेंगे। दे हैव सॉर टेस्ट, उनका टेस्ट सॉर है। दे बर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। दे आर सोल्यूबल इन वाटर एंड दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन्स, यानी एच प्लस आयन्स इन अ सोल्यूशन। द मोर हाइड्रोजन आयन्स एंड एसिड प्रोड्यूस इन अ सोल्यूशन द स्ट्रोंगर इट इज़। उसके बाद एसिड्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर क्रूसिव टू क्लॉथ्स एंड स्किन। नेक्स्ट हमारे पास इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं कि इसके केमिकल रिएक्शंस किस तरह से। सबसे पहला रिएक्शन आपका मेटल के साथ है। मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस एंड अ साल्ट। मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड प्रोड्यूसेस साल्ट और हाइड्रोजन लाइक जिंक। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेक्स जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। उसके बाद कार्बोनेट्स ऑफ मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू प्रोड्यूस अ साल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बोनेट्स जो हैं वो सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर सीन एंड अ फिजी साउंड इज़ हर्ड। इसमें बबल्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के नज़र आते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेक्स कैल्शियम क्लोराइड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद एसिड रिएक्ट, एसिड की रिएक्शन जो है वो अल्कलाइज के साथ टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेक्स सोडियम क्लोराइड और वाटर। सोडियम क्लोराइड एक न्यूट्रल सॉल्ट है। उसके बाद मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन की बात हो रही है। मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद एसिड्स टू प्रोड्यूस अ सॉल्ट एंड वाटर। जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेक्स जिंक क्लोराइड प्लस वाटर। उसके बाद यूजेस ऑफ एसिड, एसिड कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। विनेगर और एसिटिक एसिड इज यूज टू प्रिजर्व फूड एंड वेजिटेबल्स। कार्बोनिक एसिड इज यूज इन फिजी ड्रिंक्स। सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज इन कार बैटरीज। नाइट्रिक एसिड इज यूज टू मेक फर्टिलाइजर्स एंड एक्सप्लोसिव्स। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड है अल्कलाइज। टी और बेकिंग सोडा आर वीक अल्कलाइज, वॉशिंग सोडा इज अ स्ट्रॉन्ग अल्कलाई। हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स कंटेन अमोनिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड विच आर अल्कलाइन। दे अटैक ग्रीस, ये ग्रीस पर अटैक करते हैं, यानी आपके कपड़े साफ करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कलाइज, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। दे हैव अ बिटर टेस्ट, सो जो एसिड है वो सोर इन टेस्ट होते हैं, खट्टे होते हैं और ये कड़वे होते हैं। दे टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू। दे आर सोल्युबल इन वाटर एंड दे प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइलाइन, ये OH नेगेटिव पानी में प्रोड्यूस करते हैं। द मोर हाइड्रोक्साइल आयंस एंड अल्कलाई प्रोड्यूसेस द स्ट्रॉन्ग इट इज। पॉइंट नंबर 4, अल्कलाई कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइज आर क्रूसिव टू क्लॉथ्स एंड स्किन। अल्कलाई फील सोपी, इनमें जो है वो सोपी टच होता है। अल्कलाइज टर्न pH पेपर पर्पल, pH पेपर जो है वो हमारे पास ये पर्पल कर। इनके केमिकल रिएक्शन, अल्कलाई रिएक्ट विद अमोनियम कंपाउंड्स टू प्रोड्यूस अमोनिया गैस लाइक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड वाटर और अमोनिया गैस बनती है। अल्कलाई रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, द रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। ये एसिड में भी आपने देखा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है और अल्कलाइन में।
like sodium hydroxide plus nitric acid makes sodium nitrate and water. Sodium nitrate हमारे पास neutral salt है. उसके बाद uses of alkali. Alkali are used to neutralize acids. Some alkalis are used as laboratory reagents. Alkali are used to make soap. Alkali are used to clean greasy ovens. Alkali are used in the paper industry. Ammonia is an alkali which is used in as household bleach. Ammonia is used to manufacture fertilizers. आपकी जो खाद है वो बनाने में भी अहम किरदार अदा करती है. उसके बाद examples of neutralization in everyday life. Indigestion और tooth decay. Indigestion जब आप ओवर ईटिंग और ईटिंग द रॉन्ग काइंड ऑफ फूड काज इनडाइजेशन. द स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच काजेस एसिडिटी. ड्रिंकिंग अ सोल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा और टेकिंग इनडाइजेशन टैबलेट्स न्यूट्रलाइज द एसिड. उसके बाद टूथ डिके. टूथ टू मच शुगर और एसिड इन आवर फूड काज टूथ डिके. द टीथ बिकम कोटेड विद प्लेक विच इज एसिडिक. टूथपेस्ट इज स्लाइटली अल्कलाइन. इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड एंड थस हेल्प प्रिवेंट टूथ डिके. नेक्स्ट हमारे पास है इंसेक्ट बाइट्स. बी एंड एंट स्टिंग्स एंड एसिडिक. स्टिंग्स आर एसिडिक एंड कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग द वुंड विद एन अनियन विच कंटेन्स अमोनिया एंड अल्कलाइन सब्सटेंस और विद बेकिंग सोडा विच इज ऑल्सो अल्कलाइन. वैस्प स्टिंग्स आर अल्कलाइन एंड कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग द वुंड विद विनेगर विच इज एसिडिक. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है साल्ट. साल्ट आर ग्रुप ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस दैट हैव द सेम प्रॉपर्टीज. इसमें जो है वो सेम प्रॉपर्टीज होती हैं. दे आर मोस्टली सॉलिड. इनमें ये साल्ट जो है वो मोस्टली सॉलिड होते हैं. नियरली ऑल साल्ट आर सोलूबल इन वाटर. कॉपर सल्फेट सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम नाइट्रेट आर एग्जाम्पल्स ऑफ साल्ट. उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज. सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज है हमारे पास. साल्ट्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. साल्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन वाटर और व्हेन दे आर इन लिक्विड फॉर्म. थर्ड है हमारे पास सम साल्ट्स अकर इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप कॉल्ड क्रिस्टल्स. इनकी डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप होती है. ये साल्ट की बहुत ही अहम प्रॉपर्टी है. नंबर फोर मैनी साल्ट सच एज सोडियम क्लोराइड मैग्नीशियम सल्फेट अकर नेचुरली एंड कैन बी माइंड फ्रॉम द अर्थ. नंबर पॉइंट फिफ्थ सम साल्ट आर मेड इन फैक्ट्रीज. फर्टिलाइजर सच एज अमोनियम नाइट्रेट आर प्रोड्यूस्ड ऑन द लार्ज स्केल. उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट. इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज. साल्ट कैन बी मेड बाय द फॉलोइंग मेथड्स. पहला है रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड एंड मेटल. जिंक प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. जिंक सल्फेट ये एक साल्ट है और हाइड्रोजन गैस. यानी हाइड्रोजन हमारे पास गैस की सूरत में आ जाता है. उसके बाद रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ मेटल ऑक्साइड. अब कॉपर ऑक्साइड प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मेक्स कॉपर सल्फेट. ये एक साल्ट है और वाटर. रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद एन अल्कलाइन न्यूट्रलाइज रिएक्शन. सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेक्स सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर. नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन ऑफ टू साल्ट सॉल्यूशंस. यानी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जिसमें आपके पास प्रेसिपिटेट्स यानी बीच में फुटियां बन जाती हैं. बेरियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट दोनों ही साल्ट हैं. जब इनका रिएक्शन होगा तो इसमें बेरियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड ये दो बनेंगे. बेरियम सल्फेट जो है वो प्रेसिपिटेट्स यानी फुटियों की सूरत में होगा और मैग्नीशियम क्लोराइड जो है ये साल्ट आएगा हमारे पास. व्हेन द टू साल्ट सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड अ वाइट पाउडर ऑफ बेरियम सल्फेट इज़ फॉर्म इमीडिएटली. जब आप दो पाउडर साल्ट पाउडर को मिक्स करेंगे तो एक सफ़ेद सा हमारे पास जो है वो सोल्यूशन बन जाएगा विच सेटल्स एट द बॉटम. दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट. जो कि नीचे बैठ जाएगा बॉटम में उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है यूजेज ऑफ साल्ट. साल्ट कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं. साल्ट आर यूज टू मेक अदर साल्ट. दूसरे साल्ट बनने में ये हेल्प करता है. दे आर यूज टू मेक फर्टिलाइजर्स. वी यूज सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन साल्ट इन आवर फूड. जो आप घर में नमक इस्तेमाल करते हैं उसको हम सोडियम क्लोराइड यानी NaCl कहते हैं. साल्ट इज़ यूज टू प्रिजर्व फूड. इंडिकेटर्स एन इंडिकेटर इज़ अ डाई दैट चेंज द कलर व्हेन इट इज़ पुट इनटू द एन एसिडिक और अल्कलाइन सॉल्यूशन. दे आर अ नंबर ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर्स. मैनी ऑफ देम आर मेड फ्रॉम प्लांट एक्सट्रैक्ट. उसके बाद लिटमस. लिटमस क्या था. लिटमस इज़ एन इंडिकेटर मेड ऑफ मेड फ्रॉम लाइकन. इट इन नेचुरल वाटर इट इज़ मॉव.
It turns red when acid is added to it, or when it is put in an alkaline solution, it turns blue. Universal indicator is a mixture of several indicators. It gives a different color to each pH number. Indicator can be used to produce or as paper soaked in the solution and then dried. pH paper is a special kind of paper which are coated with a chemical substance. In the light green, it is an acidic solution is poured onto it. Its color changes from green to yellow. And then red, depending on how strong the acid is. If the alkaline solution is poured onto it, its color changes from green to blue and purple, depending on how strong the alkali ko hum basically base bhi kehte hain. The table shows some indicators and their colors. Sabse pehle indicator hai litmus. Litmus jo hai wo acid mein color red hoga aur alkali mein blue. Phenolphthalein सेकेंड पे हमारे पास ये कलर लेस होता है एसिडिक में और अल्कलाई में ये जो है पिंक हो जाता है. उसके बाद मिथाइल ऑरेंज जो है ये एसिडिक में ये ऑरेंज हो जाता है और जब इसमें बेस ऐड करेंगे तो ये येलो हो जाएगा अल्कलाई. और ब्रोमोथायमोल ब्लू ये एसिड में येलो होता है और जैसे हम इसको अल्कलाइन में यूज़ करते हैं तो ये ब्लू हो जाता है. यहाँ तक आपको अगर किसी बात की समझ नहीं आती तो आप सर के ऑफिशियल नंबर पर रब्ता करके पूछ सकते हो. ओके, हाफिज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ.